मैं मौजूद हूँ आप मेरे साथ ब्लॉक बरौली हई के खेड़ा पचगाई में। आप मेरे पीछे देख सकते हो किस प्रकार तस्वीरों में स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि रोड पर घोंटू घोंटू पानी भरा हुआ है। एक तरफ तो हमारी सरकार है गड्ढा मुक्त सड़कें होने का दावा कर रही है, वहीं आप देख सकते हो किस प्रकार रोड पर पानी भरा हुआ है और रोड में गड्ढे हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ जो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय उसके ही आगे ये पानी भर रहा हुआ है, सभी बच्चे इस पानी में होकर ही विद्यालय जा पाते हैं। ग्रामीणों का ऐसा आरोप है, उन्होंने कहा है कई बार शिकायत कर दी, ग्राम प्रधान सुनाई नहीं करता। तो वहीं ग्राम प्रधान का कहना है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से वो कई बार शिकायत कर चुके हैं परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। सर क्या नाम है आपका? सत्यपाल सिंह। कहाँ के रहने वाला? क्या परेशानी है आप? बहुत बड़ी परेशानी है, पानी की सबसे बड़ी परेशानी है, निकास है नहीं पानी का। तो ये पानी कब से भर रहा है? कम से कम 2 महीने हो गए यहाँ पर भरे हुए से। तो कितने लोगों को परेशानी होती है इससे? सभी को परेशानी है, कितने लोगों की? ये देखो सरकारी स्कूल है, यहाँ सभी बच्चे पढ़ने आते हैं गाँव से, अन गाँव से, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो बच्चे इसी में होकर निकल के आते हैं? इसी में होकर निकल के आते हैं। ये देखो सामने बच्चा निकल के आया अभी। तो ऐसे ही निकल के आते हैं? ऐसे ही निकल के आते हैं, ना मोटरसाइकिल निकल सकती है ना पैदल वाले निकल सकते हैं। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या कह देते हैं? प्रधान से 50 बार बोल चुके हैं। प्रधान जी क्या कह देते हैं? प्रधान जी बोल रहे हैं चल रहा है प्रोग्राम, चल रहा है प्रोग्राम। नगर निगम की है रोड ये रोड नगर निगम में बताया गया है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। सर आप अपना परिचय देते हुए, आपके विद्यालय के सामने पानी भरा हुआ है, किस कारण पानी भरा हुआ? राधे श्याम प्रधान पचगाई खेड़ा। जे PWD की रोड है इस पे घोटू घोटू पानी भरा हुआ है। मैंने कई बार PWD में शिकायत की कि इस पानी के लिए कोई निजात मिले, अनसुनी कर देते हैं, कह देते हैं कि ऐसा बारिश का पानी भरेगा ही, वो तो आखिरकार पानी भरेगा, वहाँ को निजात तो होना चाहिए। तो स्कूली बच्चे कहाँ के जाते हैं? स्कूल के बच्चे बेचारे पकड़ पकड़ के घर वाले ले जाते हैं, तो ऊपर अपनी गोद में बैठाल करके कोई साइकिल पे ले जाता है, कोई कैसे ले जाता है। तो उसके लिए कोई समस्या का समाधान नहीं होता दिख रहा? मुझे तो समस्या समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने अपने सांसद महोदय जी से, राजकुमार चार्ल्स जी से अपने लेटर हेड पर लिख के दिया है कि ये 300 मीटर का जो टुकड़ा है इस पर RCC कर दी जाए, जिससे आवागमन की बच्चों को पढ़ाई लिखाई की परेशानी नहीं हो।